निशान है इसके, डॉट के निशान है ये टाइमिंग चेन के निशान पे मिलेंगे। और इधर वाले भी जो पुल्ली पे डॉट का निशान है उस टाइमिंग चेन के डिस्क कलर से मिलेंगे। जैसे टाइमिंग चेन ग्रे कलर का है उसमें एक डिस्क कलर ब्लैक कलर का डिस्क कलर है उसी से मिलेंगे। और ये रही क्रैंक की बात, तो क्रैंक में भी ऐसे डिस्क कलर ही मैच करना होगा इसमें डॉट पे, क्रैंक के जो डॉट है इस पे। क्योंकि देखो टाइमिंग चेन होती है ग्रे कलर की, उसमें ब्लैक कलर का डिस्क कलर हल्का सा एक गोटी दिया हुआ है जिसपे मैंने वाइट पेंट लगा रखा है। यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है, एक ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है और एक ही ब्लैक कलर यहाँ पे दिया हुआ है। ये इस इन और चेन के गोटी से ये डिसकलर है, इसको डिसकलर को डॉट पे लगाना है, जो पुल्ली के डॉट हैं उस पे रख देना है। और सेम कंडीशन इधर भी करना है, इसी वाले पे अप्लाई होगा कि ये भी पुल्ली के जो डॉट हैं उस पे चेन का डिसकलर लगाना है। हो गया ये। और क्रैंक का भी सेम कंडीशन ऐसी है, क्रैंक को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा ये आपका। तो चेन में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, उसमें डिसकलर होते हैं, तो डिसकलर ही इस जो डॉट है उस पे आ लेंगे। और बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये क्रैंक में लग रहा है, डिसकलर है ये, ब्लैक कलर जो है चेन का ये गोटी ब्लैक कलर में दिया हुआ है, तो वो ब्लैक कलर इस डॉट पे आवेंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।